पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। नए बाग, नए फूल, नए किलिया, ना चरिंद ना परिंद, क्योंकि पानी ही से सब कुछ है। पानी ही से हरियाली है, पानी ही से खुशहाली है। पानी ही की बदौलत ये शहर झगमग चमक रहे हैं। पानी ही की बदौलत इंसान का कारवा चलता है। पानी ही से खेतों की हरियाली है। पानी ही से मेरे देश के किसान है। पानी ही से हमारे जिस्मों में जान है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी नहीं तो हम भी नहीं। पानी नहीं तो तुम भी नहीं। पानी नहीं तो मैं भी नहीं। पानी नहीं तो ये पूरी दुनिया भी नहीं। पानी हमारी बुनियादी जरूरत है। पानी ना होगा तो इंसान का कारवा कैसे चलेगा? पानी ना होगा तो देश के कारखाने कैसे चलेंगे? पानी ना होगा तो गरीब के घर पे चूल्हा कैसे जलेगा? पानी ना होगा तो बादल ना होंगे, जो बादल ना होगी तो बारिश ना होगी, जो बारिश ना होगी तो फिजा मुअत्तर ना होगी। जनाबे आला, पानी हमारी जिंदगी और मौत है, लेकिन हम पानी को आलूदा करके अपने ही मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। हमें पानी को बचाना होगा, हमें अपना मुस्तकबिल बचाना होगा, हमें पानी को सापुष्पक रखना होगा, क्योंकि पानी हमारी जिंदगी और मौत है। तो जहां है पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबैर साहब, है पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी है तो जहां है पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। जाया किया है आज तक, जाया किया है आज तक जिसे, वो पानी शायद कल होगा ही नहीं। पानी को हमें होश कब आएगा? तब जब हम एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। हमें होश में आना होगा, हमें पानी को बचाना होगा, हमें पानी को सापुष्पक रखना होगा। अब सवाल उठता है कि हम पानी को सापुष्पक कैसे रखें? याद रखना, हम पानी को सापुष्पक तब ही रख पाएंगे जब हम अपने मन और अपनी सोच को सापुष्पक रखेंगे। और हाँ, आज आप में से भी कुछ लोग होंगे जो खुद को बहुत बड़े देश प्रेमी समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असली देश प्रेमी वो है जो सबसे पहले अपने देश को साफ सुथरा बनाने की सोच रखता हो। और मैं इसके लिए सलाम करता हूँ चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कमेटी गुरु वेरीनाथ मोहम्मद इकबाल सर और उनके साथियों को, जो जब हम सोते ही रहते हैं ना तब ये सफाई करने आते हैं। मैं सलाम करता हूँ। हमें देश प्रेमी बनना होगा इनकी तरह, इनकी तरह असली देश प्रेमी यही है। इनकी तरह हमें भी देश प्रेमी बनना होगा। हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना होगा और इसके लिए हमें अपनी अपनी सोच और अपने मन को बदलना होगा। और अगर एक बार हमारी सोच और मन बदल गया ना तो ये पूरा देश का पूरी दुनिया ही बदल जाएगा। हम कितना पानी आलूदा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम किसी प्यासे आदमी या प्यासे औरत को एक गिलास पानी नहीं पिला पाते। एक मेरे हिसाब से अगर हम किसी प्यासे आदमी या प्यासी औरत को पानी पिलाते हैं तो वो उसकी जान बचाने के बराबर होगा। एक दिन होता क्या है कि एक औरत अपने बेटे के साथ शहर जा रही थी, तो रास्ते में गर्मी की वजह से उसका बेटा बेहोश हो जाता है। औरत घर घर भटकती है और सबके सामने हाथ फैलाती है कि खुदा के वास्ते कोई मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते कोई मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे अपने बेटे को बचाना है। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने ना आया तो ये देखकर औरत का कलेजा फटाया। औरत कहती है, सोचिए अगर आपके भी इस तरह हालात हो, प्यास बच्चे को लगी हो, माँ के खाली हाथ हो, देखना बच्चे को बेहोश होते हुए आसान नहीं। पिलाना पानी सवाब है, लेकिन करता कोई ऐसा नहीं। पानी नियामत, अब भी वक्त है, कदर कर लो पानी की जो दी है खुदा ने नियामत। अब भी वक्त है, कदर कर लो पानी की, कहीं वो दिन ना आए तुम्हें याद आए पानी की। और जिसे जाया किया है हमने आज तक, बचा के रख लो उसे, आने वाले कदम तुम्हें जरूरत पड़ेगी पानी की।